अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पकौड़े। प्याज के पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो दिखा देती हूँ, प्याज मेरे पास यहाँ पर है अबाउट 700 ग्राम जितना है। यहाँ पर छील कर आपने इसको जो है ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक काटना है, एक जितना आप इसको रखेंगे। और आपने जो है इस तरीके से इसकी लेस भी अलहदा कर लेनी है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। यहाँ पर देख लें, ठीक है, एक एक प्याज का जो लेयर है मैंने उसे अलहदा कर लिया है। ये टिप्स हैं जो आपको याद रखने, अगर आप एक परफेक्ट रेसिपी चाहते हैं प्याज के पकौड़ों की, उससे जैसा आपको बाजार में मिलता है, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको साथ साथ नोट करनी है कि एक तो आप प्याज को ना ज़्यादा पतला काटते हैं ना ही मोटा, दरमियाना काटेंगे, और ईच एंड एवरी जो लेयर है उसकी आपने देख लें, हाथों से मैंने इसको अलहदा कर लिया, ठीक है। अब इसमें जो है, और जो इसकी मेन बात है वो ये कि जब आपने सर्व करना है आप इसको तभी फ्राई करेंगे, क्योंकि जब आप इसमें नमक ऐड करते हैं तो प्याज काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है, और उसकी वजह से जब हम घर पर पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो वो इतने ख़ास क्रिस्पी नहीं बनते, ठीक है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी, हाफ अ टीस्पून है, अजवाइन आधी चमची है, इसे ही मसल के डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब ये तमाम चीज़ें डालकर आपने दोबारा इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, और आपके मिक्स करते करते आप महसूस करेंगे कि प्याज काफ़ी ज़्यादा पानी जो है रिलीज़ करता है, ठीक है। उसकी वजह से इसके अंदर आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है कि इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें, मैं हाथों से अच्छी तरह इसको मसल रही हूँ, और इसी के से मिक्स करते जाएंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो देख लें, इसको अच्छी तरह मैंने, ये देखें, प्रेशर के साथ मैं दबा रही हूँ। ये मैं सोची कि मैं हवा में ही उसको यूं उछाल रही हूँ, नहीं, मैं उसको ऐसे दबाती हूँ। अगर आप देखें तो कितना मेरे हाथ पर लिक्विड आ चुका हुआ है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड करेंगे हरी मिर्चें, मैंने 3 अदद हरी मिर्चें डाली हैं बीच में, आपकी चॉइस है आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। बीच में हरा धनिया डालूंगी, ठीक है, ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया। अब आपने इसमें ऐड करना है बेसन, ठीक है। बेसन जो है आप इसमें एकदम से नहीं डालते, फिर वही बात आ जाती है कि फिर आपको लगेगा कि जी ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया या बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो गया, फिर आप पानी ऐड करेंगे, नहीं, आपको इसको जो है आराम आराम से डालना होता है। तो इसमें आप टेबल स्पून करके डालेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। ये वही टेबलस्पून है जो घर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, टीस्पून नहीं है। और मैं इसको पहले यहाँ पर मिक्स करूँगी, और साथ साथ देखती चली जाऊँगी कि मुझे कितने और बेसन की ज़रूरत है। और यूँ आपने साथ साथ जो है प्याज को मेक श्योर करना है कि वो अलहदा भी रहे, ताकि आपको सही बाज़ार का रिज़ल्ट इंशाल्लाह आएगा। तो ये है कि जैसे जैसे बेसन डालते हैं मिक्स करें, और इसी के से आपने देखना है। 4 टेबलस्पून मैंने डाले, लेकिन ये देखें अभी भी बिल्कुल ये अलग अलग है, इसको थोड़ा सा एक बाइंडिंग इसकी होनी चाहिए। तो मैं अब दोबारा इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून, और आपके सामने मैंने इनको भर कर डाल रही हूं। दोबारा इसको मिक्स करते हैं। ये देख लें, मैंने बिल्कुल बीच में पानी नहीं डाला, और प्याज की वजह से जो है जो पानी प्याज ने छोड़ा था उसी की वजह से ये बिल्कुल बेसन को अपने साथ साथ स्टिक कर रहा है। आपने देखना ये होता है बेसिकली कि जब आप पकौड़े को उठा करके बीच में तेल में डालेंगे, क्या वो बिखर तो नहीं जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ, ये देखें, अगर हम इसको तेल में डालेंगे तो ये बिखर जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा नहीं है बेसन, देख रहे हैं आप, ठीक है। इसलिए पहले मैंने 4 टेबलस्पून डाले, उसके बाद दोबारा 4 टेबलस्पून, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ही है, 2 टेबलस्पून मैंने और डाले, और अब इसको दोबारा मिक्स कर रही हूँ।
मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगी। मैंने आपसे कहा पेशेंस रखिएगा और इसको आपने साथ साथ चेक करते जाना, ये नहीं करना कि आप जल्दी जल्दी बीच में बेसन डाल दें तो वो फिर काम इसका खराब हो जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून और, ये 2 टेबलस्पून थे, और इसको दोबारा मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें अब इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली इसकी बाइंडिंग हो गई। ये देखें, यानी कि जब आप इसको तेल में भी डालेंगे तो आप इसको आसानी से डाल सकते हैं। और ये देखें, ये तेल में, ये इसका आपको चाहिए टेक्स्चर। ख्याल रखिएगा, मैंने मेजरमेंट आपको मैंने बता दी हुई, 1 टेबलस्पून घर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैंने तेल यहाँ पर रख दिया है गर्म हो जाने के लिए, और इसकी जो सेकेंड टिप है वो ये कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, तभी आपको अच्छे और क्रिस्प पकौड़े मिलेंगे प्याज के। अगर तेल ठंडा होगा तो बेसन जो है और प्याज तेल को अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर वो क्रिस्पीनेस बिल्कुल नहीं आएगा। और ये आपने बिल्कुल नहीं करना कि बैटर बनाकर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर वही होगा, प्याज पानी छोड़ेगा क्योंकि उसमें नमक है और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये कि जैसे आप इसको बनाते हैं आप स्ट्रेट अवे इसको गर्म तेल में डालकर फ्राई करना शुरू कर देते हैं। तेल यहाँ पर गर्म हो रहा है, आपको दिखाते हैं आप इसको फ्राई कैसा करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा पीस डाल के चेक करूंगी कि प्याज सॉरी तेल गर्म है कि नहीं, तो ये देख लेते हैं। अभी भी इतना गर्म नहीं है, इसे और गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब आपने जो प्याज का मिक्सचर है वो आपने जो है एक लंप के तौर पे नहीं उठाना, उसे आप थोड़ा सा यूं जब उठाएंगे तो आपने कोशिश करना कि यूं बिखरा सा हो। ठीक है, और उसके बाद आप हाथ नीचे कर कर इसको बीच में डालते चले जाएंगे। उतने ही डालिएगा जितने के एक कढ़ाई में पूरे आ जाएं, ओवरफिलिंग नहीं करेंगे। और फ्लेम यहाँ पर फिलहाल हाई पर ही है। इसे फ्राई हो जाने दें, अच्छी तरह गोल्डन कलर जब इस पर आ जाएगा तो इसे जो है निकाल करके हम पेपर टॉवल या टिश्यू पर रखकर एक्सेसिव ऑयल इसका रिमूव कर लेंगे और फिर इसे गर्म गर्म सर्व करेंगे। जब आप बीच में पकौड़े ऐड करते हैं कोई भी हो, आप उसको स्ट्रेट वे बीच में कोई चमचा नहीं चलाते, वरना फिर ये होता है कि वो उसका बैटर जो है ऊपर से उतर जाता है या सही नहीं बनते। तो ये कि जब थोड़ा सा वो सेटल हो जाए तब आप इसको जो है कोई भी पकौड़े बना रहे हो आप उसे मूव करते हैं। फिलहाल जो है इसको अच्छे से गोल्डन हो जाने दें और फिर साथ साथ इसकी साइज आप चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देख लें ये परफेक्टली तैयार हो गए हैं। ठीक है, और एकदम इसका कलर भी खूबसूरत गोल्डन सा आ चुका हुआ है। ये देख लें बिल्कुल बाजार की तरह बने। अभी इसे निकाल करके मैं पेपर टॉवल पर रखती हूँ, बाकी भी तैयार करके वैसे डिश आउट करते हैं। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं, एक बार आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं और इसकी आवाज़ भी सुन लेंगे कितना क्रंची है ये। ये देखते हैं, ठीक है, अंदर से सॉफ्ट है ऊपर से ये क्रिस्प होता है। तो आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में वो आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए, कॉफ़ी योर चॉइस। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।